अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। सिविल कोर्ट में याचिका के जरिए दावा किया गया है कि यहां पर दरगाह में संकट मोचन महादेव की मंदिर है। कोर्ट ने इसे सुनने योग्य माना और अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है और इसके बाद काफी ज्यादा सियासी बयानबाजियां भी होने लगी है। हिंदू पक्ष के दलील में जिस बुलंद दरवाजा का जिक्र किया गया है, आखिर वो क्या है और कैसा दिखता है, ये आपको दिखाते हैं। अभी मैं ख्वाजा साहब के दरगाह के अंदर हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बुलंद दरवाजा है जिसे लेकर पूरा विवाद है। मजार के नीचे शिवलिंग के अलावा कहा जा रहा है कि ये बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजे की छतरियों को देखिए आप, ये जो छतरियां 1, 2, 3 बनी हुई हैं, इन तीनों छतरियों को कहा जा रहा है कि ये जैन टेम्पल या हिंदू मंदिर इनके अवशेष के से बनाया है। महमूद खिलजी ने इस बुलंद दरवाजे को बनाया था और ऊपर आप देखेंगे तो कलश भी है जिसे कहा जा रहा है कि शिव मंदिरों में दिखाया जाता है। यहाँ उर्स का झंडा चढ़ता है, इसका एक अपना एक धार्मिक महत्व भी है। यही सबसे पहला दरवाज़ा है जिसे महमूद खिलजी ने बनाया था और इसकी जो बनावट है, इस बनावट को लेकर जो हरविलास शारदा हैं वो अपने किताब में उन्होंने लिखा है कि ये छतरियाँ जो हैं वो किसी मस्जिद में इस तरह से नहीं बनाई जाती हैं, दूसरे तरह की छतरियाँ होती हैं, ये किसी मंदिर के अवशेष हैं। ये पूरा विवाद इसे लेकर हो रहा है। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है ASI के पाले में है और भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग देख रही है, दरगाह कमेटी को जवाब देना है। मगर ये सारे तथ्य उन्होंने अपने किताब में लिखे थे जिसे विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में रखा है। चंद्रशेखर के साथ शरद कुमार, अजमेर शरीफ आज तक। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। इसमें रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की एक किताब का जिक्र है। इस किताब में दरगाह की मीनारों का हवाला दिया गया है। दरगाह के बुलंद दरवाजे का जिक्र है जिसकी मीनारें चौकोर है और दावा किया गया है कि ऐसा निर्माण मंदिरों में होता था। अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका के बाद बयानों की बाढ़ सी आ गई है। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI को नोटिस भी भेजा है। दरअसल कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसके मुताबिक मंदिर के खंडहरों पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। दावा यह भी है कि भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर इसे घोषित किया जाए और हिंदुओं को पूजा का अधिकार भी दिया जाए। साथ ही साथ ASI से सर्वे की मांग भी की गई है। इसके अलावा गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी कही जा रही है। अब हिंदू संगठनों के दावे के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है।